गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। एंड गाइस, जो पीछे का वेदर आप देख सकते हैं भाई, कितना सही वेदर है। ये देखो, बादल पूरे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे भी बादल नीचे आ रहे हैं। जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो। तो अभी प्लान ऐसा है, पहले अपना प्लान था बाइक पे अनएक्सप्लोर प्लेसेस पे जाने का। अभी यहाँ पे फर्स्ट स्नो फॉल हुई है खारदुंग पे। अभी रिंगजिंग भाई आ रहे हैं, आपको उनसे भी मिलाता हूँ, जिनसे मैं बाइक रेंट करने आता था उनके साथ एक प्लान बना है कि खारदुंग चलेंगे, वहाँ पे देखते हैं। फ्रेश स्नो फॉल हुई है तो चलते एक्सप्लोर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बताता हूँ कैसे आप जा सकते हैं, पूरा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त की आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो करते हैं लद्दाख को एक्सप्लोर करना शुरू। गाइस, अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं रिंगजिंग ब्रदर के साथ। भाई अभी हम लद्दाख की सड़कों पे निकल पड़े हैं एंड अभी हम जा कर रहे हैं, अभी हम खारदुंगला की तरफ जा रहे हैं भाई। तो भाई हमें खारदुंगला लेके जा रहे हैं एंड सुनने में वहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुई है, तो देख के आते हैं कितनी स्नो है वहाँ पे। पर भाई लद्दाख के नज़ारे बहुत सही यार, एंड भाई लद्दाख में तो बारिश ही हो रही है कल रात से। ये देखो भाई, पूरा रोड पूरा गीला है, अभी हल्की सी बंद हुई है, बट भाई लद्दाख में भी बारिश हो रही है तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे होती नहीं है इतनी बारिश, इतना ज़्यादा बारिश नहीं होता है। तो अभी ले में अब बारिश पड़ा ना, तो ऊपर खारदुंगला में अभी स्नोफॉल हो रहा है, तो हम लगने चलते हैं स्नोफॉल। तो भाई बता रहे अब खारदुंगला में अपने को स्नोफॉल मिलेगी, तो भाई वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, पहली स्नोफॉल हम आपको दिखाने वाले लद्दाख की, वो भी खारदुंगला पे। तो चलते हैं। फाइनली आपके दोस्त ने कर दिया स्टार्ट लद्दाख को एक्सप्लोर करना एंड भाई मेरे पीछे का जो व्यू है, इतनी ग्रीनरी है भाई, कहीं भी नहीं है, पर यहाँ पे देखो सेंटर में पूरी ग्रीनरी है। तो रिंगजिंग भाई से पूछते कौन सी जगह है, वो आपको पूरा प्रॉपर बता सकते हैं, बिकॉज उनसे अच्छा कोई नहीं बताएगा यहाँ पे। तो रिंगजिंग भाई कौन सी जगह है ये जगह? वैसे गंगलेश बोलते हैं, गंगलेश। तो एक गंगलेश जगह है एंड ये ले का लास्ट विलेज है। हाँ, ये ले का लास्ट विलेज है। यहाँ से हम खारदुंगला की तरफ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब विल स्टार्ट गोइंग अप टू द खारदुंगला पास। सो दिस इज द लास्ट विलेज, सो यहाँ से इसके बाद और विलेज नहीं है यहाँ पे। तो भाई आप देख सकते हो कितना ग्रीन है एंड बादल देखो कैसे नीचे है, एंड भाई लास्ट विलेज है एंड ग्रीनरी बहुत सही है। इस साइड भी व्यू देखो, एंड अभी हम ऊपर ही जा रहे हैं उस साइड, एंड भाई पूरा ये देखो, पूरा जो व्यू आ रहा है ना, है ना कसम से बढ़िया। कमेंट करके जरूर बताना भाई कितना सही व्यू है। तो भाई एक दो रील्स बना लिए, पर बारिश तेज होने लग गई है एंड ठंड भी लगने लगी, इतनी मोटी टी शर्ट एंड जैकेट पहनने के बाद भी अपने को ठंड लग रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो चलते गाड़ी में बैठते, भाई भी गाड़ी में जाके बैठ चुके हैं एंड चलते खारदुंगला की साइड, तो देखते आगे कैसा है। ऊपर की साइड जा रहे हैं एंड व्यू देखो भाई साहब, मतलब लिटरली यार आगे का दिखना बंद है। ये देखो बादल हमसे नीचे है, बारिश हो रही है और अपने को उस साइड जाना, गाड़ी एक दो दिख रही है, देखो आगे से भी गाड़ी आ रही है, पर ये भाई क्या ही नज़ारा है यार, जन्नत है भाई ये तो, बादल कैसे ही दिख रहे हैं। तो गाइज अभी खारदुंगला जाते समय हम एक पॉइंट पे रुके हैं एंड भाई यहाँ से व्यू देखो पूरा, कैसे क्लाउड्स नीचे हैं एंड वो देखो रोड दिख रहा है ना भाई, कितना प्यारा लगा है, छोटू सा रोड, वो दूर में देखो भाई कोई एक रिवर फ्लो रही है, आपको दिख रही होगी बारिश आ रही है एंड ये देखो बादल नीचे, ये खारदुंगला जाएगा, ये ले जाता है पूरा रास्ता, बादल इतने प्यारे लग रहे हैं भाई, मानसून में भी ले मस्त है यार, बट क्लोथ्स कैरी करना वार्म क्योंकि बहुत ठंड होगी, मैंने इतनी मोटी टी शर्ट पहनी, इसमें पूरा फर है, फिर भी ठंड है। बाकी व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो भाई आपका दोस्तों मज़े कर रहा है, आप भी वीडियो देख के मज़े करो। चलते अभी आगे की साइड, सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं साउथ पुलू, यहाँ पे चेक पोस्ट है, आपको परमिट दिखाना पड़ता है एंड ये देखो भाई फ्रेश स्नोफॉल, तो लद्दाख की फ्रेश स्नोफॉल हो रही है एंड हम दोनों इन्जॉय करें भाई फ्रेश स्नोफॉल में। तो रिंगजिंग भाई को थैंक्स जो हमें लेके आया साउथ पोल, इन्हीं का प्लान था कि
कि चलते हैं, बहुत मजे आएंगे। एंड ये देखो भाई कितनी स्नोफॉल हो रही है, आप देख सकते हो गाड़ियों पे, ये देखो। एंड अपना एक दोस्त आ चुका है, कुछ नहीं भाई खाने का। तो भाई ये अभी ऊपर जाएंगे यहाँ से खारदुंगला, पहले चलते हैं। कभी भी आप ले आ रहे हो मेक श्योर आप परमिट लेके आ रहे हो, क्योंकि पंगे हो सकते हैं, विदाउट परमिट अलाउ नहीं होता है। तो हमारे पास परमिट है, मैं चेक करा के आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कितनी स्नोफॉल हो चुकी है यहाँ पे, पूरा आप देख सकते हो भाई कितना कवर्ड है। एंड आगे का जो व्यू है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एंड ठंड बढ़ते जा रही है, अभी टेम्परेचर होने वाला होगा, टेम्परेचर अभी माइनस में होगा जहाँ तक लग रहा है, नेट नहीं है तो टेम्परेचर पता भी नहीं चल रहा। और हैवी स्नोफॉल हो चुके हैं, एंड आपको वीडियो में देखने को मिल रहा होगा भाई स्नो हो रही है, हाथ में नहीं आ रही है देखो। एंड आगे मेरे गाड़ी जा रही है, एंड हल्की हल्की भाई अभी गाड़ी स्किड होनी शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है भाई हम खारदुंगला ना जाएं। भाई नहीं हो पाएगा ना भैया खारदुंगला अभी देखते हैं सर, अभी कम से कम और आधा घंटा जैसा लगेगा। तो यहाँ पे रोड पे अभी स्नो है ना, तो अगर ज़्यादा स्नो होगा तो ये स्किड करेगा, फिर ऊपर नहीं जाएगा। तो जैसे भैया बता रहे कि अगर ज़्यादा स्नो होगी तो गाड़ी निकलने में दिक्कत होगी, आप देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा स्नो है। ये देखो भाई गाड़ी कैसे जा रही है, बहुत रुक रुक के जा रही है। एंड ये देखो कितनी ज्यादा स्नो, एंड इस साइड आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि क्या है भाई, पूरी खाई है, बादल नीचे आ चुके हैं। एंड भाई आगे एक गाड़ी हो रहा है जो कि फंस चुकी है, अब ये देखो भैया की गाड़ी स्लिप होनी स्टार्ट हो गई है। देखो ऑल्टो यहाँ पे धक्का लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं तो भैया जैसे दिखा रहे ये सामने ऑल्टो है, अब उसको धक्का लगा रहे हैं बिकॉज वो फंस चुकी है। इसका एक ही रूल होता है, अगर निकालनी है गाड़ी तो मोशन में जाने दो, रुक रुक के जाने में दिक्कत आती है ना। हाँ रुक रुक के जाने में दिक्कत आती है, बस मोशन में सीधे जाने दो, वो थोड़ा थोड़ा रुक के रहता है, तभी तो प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा भाई ने बताया कि गाड़ी अगर रुक के जाती है तो ये वाली प्रॉब्लम आपको भी आएगी। ये देखो अब नीचे आपको दिख रहा होगा, पहली स्नोफॉल में क्या मजा आ रहा है। एंड ये भैया को जाता है क्रेडिट जिनने एट अ टाइम प्लान बनाया कि खारदुंगला चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो जरूर देखना, आपको मजे आने वाले हैं। तो लोग बाग देखो फिर उतर गए, उनकी गाड़ी फंस गई, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ी फिर फंस रही है, वो बैठ रहे हैं, फिर ऊपर जाएगी उनकी गाड़ी फंस जाएगी। आगे देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, हो सकता है अगर ऐसे ही स्नोफॉल रही तो खारदुंगला बंद कर देंगे, जाने नहीं देंगे, तो वापस आ जाएंगे। पर कोशिश पूरी करते जहाँ तक जाती है, बने रहना वीडियो में एंड तक मेरे साथ। पहुंच चुके हैं माइटी खारदुंगला पे, और भाई बहुत तेज हवा चल रही है, यहाँ से बहुत तेज बर्फ आ रही है। भाई मैंने तो कैप पहनी, बहुत तेज है यहाँ तो, टेम्परेचर लग रहा है -4 तक तो हो गया होगा, -4 यार देख सकते हो कितनी तेज आ रही है। एंड ये देखो भाई ये पूरा माइटी खारदुंगला पास, फाइनली एक पास तो हमने कर लिया है, तो देखते बॉडी ऐसा लग रहा है चलने वाली है, टेम्परेचर बढ़ी रहा है। शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा कैसा हवा आ रही है, तो ये देखो भाई फेस ट्रिकर आके बैठ चुकी है, अरे एक तो गाड़ी फंस रही है, स्नो चेंज लगा के निकालेंगे। एंड ये रख माइटी खारदुंगला, एंड ये देखो भाई ये रख पूल, यहाँ से रास्ता नुब्रा जाता है, तो भाई के साथ प्लान बनता है तो जाएंगे नुब्रा भी। बहुत बुरी हालत हो चुकी है, बहुत ठंड है, अंदर चलते हैं चाय पीते हैं एंड एंजॉय करते हैं, आंखें भी नहीं खुल रही है। खारदुंगला ये कैफे, तो भाई ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी, अभी हम एक कैफे में आए, हमने गर्मा गर्म चाय ऑर्डर की और एक मैगी ऑर्डर करी है, ठंड से ज़्यादा जितनी सोची थी उससे बहुत ज़्यादा है, एंड लिटरली बॉडी जम चुकी है। भाई अपनी गर्मा गर्म मैगी चल रही है, एंड इस स्नो में भाई आप देख सकते हो कितनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है, एंड लिटरली हवा चल रही है,
एंड इसमें भाई गर्मा गर्म मैगी का मजा ही अलग आ रहा है। चाय और मैगी भाई एक नंबर कॉम्बिनेशन भाई। चलते अंदर, अंदर ही खाता हूँ, यहाँ तो नहीं खाई जाएगी। एंड ये कैफे है कुछ ऐसा जहाँ पे हम खा रहे हैं, तो चलते भाई अंदर ही। तो भाई ऐसे गाड़ी फंस जाती है एंड इसका एक ही सोल्यूशन है, धक्का मार के जाना पड़ेगा आपको। तो लिटरली पुश करें, उसमें भी देखो स्लाइड हो रही है। बट भाई हम पहुंच चुके हैं, वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। हालांकि अभी टॉप नहीं है, अब उमिंगला बन चुका है। तो भाई मैंने ये भी डाल लिया। बट फाइनली हम पहुंच चुके, हमने एक टॉप तो किया, खारदुंगला टॉप। मज़ा आ रहा है, एक तो फोटोज लेते हैं, पर स्मोक बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हो भाई। ये डालना ज़रूरी है मुझे, अच्छा वो मैं लेके चल रहा था। अब जितने भी गर्म कपड़े ला सकते हैं, कभी भी हवा चलेगी ये देखो क्या व्यू है एंड ये पूरा टॉप है। तो भाई चलते गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि हालत बुरी हो जाएगी अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रुके। एंड ये देखो कैसे ये भी भाई इनको पता नहीं ठंड नहीं लगती। तो भाई खारदुंगला का जो 17,982 है, तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। चलते यहाँ पे भाई, मुँह लिटरली जमने लग गया है। तो ये भी अपनी गाड़ी बैठते हैं, पूरी हालत हो रही है। तो भाई अपनी गाड़ी स्टक हो चुके स्नो में एंड भाई पूरी रेस देने की कोशिश कर रहे हैं एंड हालत बहुत ज़्यादा वो हो गई है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ क्या ही हो रहा है अपनी कार के साथ। भाई ये देखो ऐसा होता है, अभी अपनी गाड़ी स्टक हो गई है, कुछ आगे ना पीछे कहीं भी नहीं जा रही है। तो सो रहा है गाड़ी आ रही है, तो 4x4 ला, चलो अच्छा अपनी आगे गई। ये देखो पूरा ये टायर है, तो 4x4 लाओगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फिर से अपने को करना पड़ रहा है भाई, हालत गाड़ी निकल जाए, चलते उसके बाद में बहुत बुरी है भाई। हाथ पूरे सुन हो चुके हैं और जैसा भी हमने गाड़ी को धक्का लगाया एंड हाथ ऐसे हो गए हैं, लिटरली जम चुके हैं, पूरे नम हो गए हैं। तो थोड़ा हीटर ऑन किया है, पर भाई ने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करा दिया आज अपने को, फिर से इनको थैंक यू है। ये एक्सपीरियंस अपने को मनाली में भी नहीं हुआ, अभी तक कहीं नहीं हुआ था। तो रिंग सिंह भाई थैंक्स यार, और अगर ऐसे ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर आपको दोस्तों के साथ आने का प्लान है एंड ऐसे एडवेंचर चाहिए, तो सेव करो यार वीडियो, शेयर करो एंड रिंग सिंह भाई को कॉन्टैक्ट करना, आपके लद्दाख की ट्रिप मजे आने वाले हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एंड जस्ट अभी आगे देखो एक गाड़ी स्टक हो चुकी है एंड एक गाड़ी यहाँ खड़ी है। तो भाई स्नो में आ रहे हो, लोकल्स के साथ ट्रैवल करोगे ज़्यादा सही रहेगा, खुद आओगे तो गाड़ी स्टक हो गई तो बहुत मुश्किल आती है। एंड 4x4 है तो बढ़िया है फिर भी, पर मैं कहूँगा लोकल्स को ज़रूर साथ देके चलो, बेस्ट रहता है, इनको एक्सपीरियंस बहुत होता है। कैसा रहा आपका भी एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा सर, यहाँ पे वैसे ही इतना स्नो नहीं होता इस टाइम पे ना, तो इस साल हो गया मतलब बहुत स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली हम लकी थे जिसको इतनी स्नोफॉल मिली है। तो भाई देख लो रिंग सिंह बाइक के होते हुए हम लकी बन गए, कितनी हैवी स्नोफॉल एंड वो भी इस मंथ में, भाई हैट्स ऑफ है, पूरा एक्सपीरियंस वर्थ इट था, कसम से मजा आया ना भाई। मजा आया क्योंकि कितनी ज्यादा स्नो है, पूरा पैर अंदर जा रहा है एंड पीछे भी गाड़ी आ रही है एंड हवा का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो, कितनी तेजी से फ्लैट जा रहे है। सो भाई पीछे पूरा ट्रैफिक लग चुका है एंड ऊपर देखो क्या व्यू है, इतना सारा एक नंबर एंड हवा का अंदाजा लगाओ कितना ज़्यादा। अरे गाड़ी फाइनली निकल पड़ी है, देखते हम निकल पाते हैं नहीं, पर गाड़ी में बैठते हैं एंड देखो कितनी स्नो है एंड शूज़ देखो भाई कितने बुरा हाल हो रहे हैं, थोड़ी देर बाहर जाओ जम जाता है पूरे शूज़ पर इतनी स्नो। तो हम लगे थे विंटर वाली फील अभी से ले रहे हैं। देख सकते हैं हमें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है एंड लाइन लगी हुई है पूरी
एंड ये भाई गए इस गाड़ी को धक्का मारने, हो सकता है भाई अभी एक घंटा और लग जाए निकलने में, इतनी हैवी स्नोफॉल अचानक से हो गई कि पूरी जम चुकी है, लिटरली स्लश टाइप बन चुका है। तो होप करते हैं जल्दी निकले भाई, उंगलियाँ लिटरली सुन हो गई है भाई, बाकी उम्मीद तो यही है जल्दी पहुँचे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, पर उंगलियाँ लिटरली सुन हो चुकी है, देखते कब तक क्या करते हैं, आपको पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों सच्ची बताना, आपके दोस्त ने कुछ अलग दिखाया ना, बहुत कम आते हैं भाई इस टाइम, एंड उम्मीद भी नहीं होती इतनी स्नो होती है, तो इसी के लिए लाइक जरूर करना, वीडियो शेयर करना। सो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, या रात को मैं जल्दी सो गया तो मैं वीडियो एंड करना भूल गया, तो सोचा मॉर्निंग में एंड कर देता हूँ, बता देता हूँ। फाइनली बारिश बंद हो चुकी है एंड सनराइज हो चुका है, एंड यहाँ जो धूप है ना भाई बहुत तेज़ लग रही है, फील भी अच्छा होगा क्योंकि इतनी ठंड के बाद एकदम धूप लगते मज़ा आता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद है कमेंट करके बताना, वीडियो को जितना शेयर करना, वीडियो को लाइक करके जाना। तो चलते हैं करते व्लॉग को एंड, टिल देन बाय बाय बाय, बट वेट पहले बता दो नेक्स्ट वीडियो हो सकती है हानलैंड उबरा के लिए, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, क्या आप भी खारदुंगला गए हो इतनी स्नोफॉल में, जरूर बताना।